आज बना रही हूँ मैं खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी। और ये रहा गाजर, बीन्स, आलू छोटे छोटे कट कर लिया, गोभी, प्याज काटूंगी, टमाटर काटूंगी। और मैंने पालक को अच्छे तरीके से धो के काट लिया है, थोड़ा पानी निकाल के फिर से धोऊंगी। और ये रहा मूंग दाल और चावल। चावल मैंने एक तिहाई ली है और दाल मैंने डबल लिया है, जितना चावल लिया है उससे डबल मैंने चावल दाल लिया है। और अभी मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और सारा चीज कट कर लिया है जो भी बचा था, और मैं इसको अब सारे डाल दूंगी ऐसे, मतलब दाल चावल जितना कम है और सब्जी सबसे ज़्यादा। देख पा रहे हो आप, इसमें मैंने मसाला ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, और थोड़ा सा तेल डाल दिया है कच्चा, ताकि ना उबल के निकल ना जाइए। और फटाफट से इसको घुमाऊंगी। और करना क्या है, ऐसे पकाते रहो धीमी आंच में, फिर जब आपको अगर जल्दी हो तो आप इसको कुकर को बंद करके एक सीटी लगा लो। और देख सकते हो कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है। खिचड़ी में मैंने लगा दिया है तड़का, और क्या खाई, बहुत ही टेस्टी बना था।